इंदौर का सराफा बाजार खाने पीने के लजीज व्यंजनों के लिए पहचाना जाता है, लेकिन अब सराफा बाजार में लगने वाली दुकानें रहवासियों के लिए परेशानी का सबब बन रही हैं, और वजह है खाने पीने की चीजों को बनाने के दौरान निकलने वाला खतरनाक धुआं। देखिए इस रिपोर्ट में। इंदौर जायके का शहर कहलाता है और राजवाड़ा के सराफा के लजीज व्यंजनों का स्वाद चखने दूर दूर से लोग आते हैं, लेकिन बदलते दौर के साथ साथ यहाँ व्यंजन बनाने का तरीका भी बदलने लगा है, जो अब सराफा के रहवासियों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। दरअसल जनसुनवाई में बड़ा सराफा के रहवासी अपनी पीढ़ा लेकर पहुंचे। उनका कहना है कि सराफा में व्यंजन बनाने के लिए प्रयोग होने वाले कोयले से निकलने वाले खतरनाक धुएं से वे परेशान हैं। और मेरे यहाँ जो नीचे चार चौपाटी लगती है, तो हम तो बरसों से रहते हैं सर वहाँ पे, और जो अभी नए नए साल दो साल से चार चौपाटी वाले आए, तो वो लोग बहुत खतरनाक तरह का धुआं छोड़ते हैं, और नारियल क्रश वाले नारियल काटते हैं, और जो मिक्सर की आवाज़ करते हैं वो असर नहीं है। रोज़ रात में 3 बजे तक हम लोग जागते हैं, उनके धुएं की वजह से सांस नहीं ले पाते, हमारे बच्चे रात भर खांसते हैं, बीमार हो रहे हैं हम लोग। हम 3 बार यहाँ पर आ चुके हैं कलेक्टर ऑफिस में, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं नगर निगम में, स्वास्थ्य विभाग में आशीष सिंह जी से सबसे मिल चुकी इस विषय में, कोई भी इस मामले में कार्रवाई नहीं कर रहा है, हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सराफा में रहने वाली महिला का कहना है कि मामले की कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अगर अब भी समस्या का निराकरण नहीं किया गया तो रहवासी संघ आंदोलन करेगा और कोर्ट में जाएगा। हटाने के लिए जब हम बोलते हैं कि भैया धुएं वाली दुकानें मत लगाइए, कुछ भी आप सूखा सामान रखिए, तो वो बोलते हैं कि आप लोग यहाँ से जाओ, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। मतलब सड़क में खड़े रहने वाले लोग हम रहवासियों को बोलते हैं कि आप चले जाओ, मकान मालिक से बोलते हैं कि आप चले जाओ। जन आंदोलन होगा सर, पूरे सराफा रहवासी संघ मेरे साथ में है, कोर्ट भी जाएंगे, बिल्कुल कोर्ट जाएंगे, क्योंकि हमारे स्वास्थ्य पूरे परिवार के स्वास्थ्य का सवाल है। वहीं मामले में अपर कलेक्टर कैलाश वानखेड़े का कहना है कि सराफा इंदौर की एक पहचान है, अगर कोई लोग प्रदूषण फैला रहे हैं तो उनके विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की जाएगी। सराफा निश्चित तौर पर इंदौर की एक पहचान है और इंदौर का एक गौरव के रूप में उसका उपयोग किया जाता है। उसका व्यापक रूप से प्लानिंग करते हुए उसमें नगर निगम के द्वारा बहुत अच्छी कार्रवाई की जा रही है, बावजूद उसमें अगर इस तरह का कोई मुद्दा आता है कि नए लोग नई जगह पे और प्रदूषण फैलाते हुए कोई काम कर रहे हैं, तो उनके विरुद्ध जो है कड़ी कार्रवाई की जानी है। कुल मिलाकर अब देखना होगा कि आखिर प्रशासन कोई कार्रवाई करता है या फिर रहवासियों को सिर्फ आश्वासन ही मिलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।